सो न्यू चैप्टर आयोनिक इक्विलिब्रियम, ये एक्चुअल में लास्ट ईयर के सिलेबस में एक साथ ही तुमको 11th में दिया था, तो क्योंकि पोर्शन चेंज हो गया तो ये तुमको 12th में अभी ऐसा है। तो चैप्टर बहुत वैसे इजी है, देखते हैं क्या क्या। देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से, बेसिक एकदम सिंपल सिंपल चैप्टर, कुछ ज़्यादा इसमें डिफिकल्ट नहीं रहेगा, ऐसा बहुत ईजी चैप्टर है। तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट वो देखते हैं कि कितने टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है। देखो सिंपल दो टाइप का इलेक्ट्रोलाइट होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक, ये पहले भी देखा है हमने, बता सॉल्यूशन चैप्टर में भी था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो ये इलेक्ट्रोलाइट क्या है पहले वो देखो। देखो इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है, जो भी सब्सटेंस वाटर में डालने से डिसोसिएट हो जाता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। सिंपल द सब्सटेंस विच गिव राइज टू आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। आयंस का मतलब मालूम रहेगा तुमको क्या रहेगा, अगर मैंने HCl को वाटर में डाल दिया तो H+ और Cl- आयन बनता है। ये दो आयन जो बना कब बना, जब मैंने इसको डिसॉल्व किया वाटर में, तो इसको ही बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइट, समझा। तो HCl हमारे लिए क्या रहेगा, इलेक्ट्रोलाइट। तो सिंपल कंसेप्ट क्या है, जो भी सब्सटेंस वाटर में डिसॉल्व होने के बाद आयंस प्रोड्यूस करता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, समझा रहेगा ना। फर्स्ट पॉइंट क्या है, सिंपल बोलो जरा पॉइंट क्या है। द सब्सटेंस विच गिव राइज टू आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइट, सिंपल ओके। तो अगर इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस वाटर में डालने की वजह से डिसोसिएट होता है आयंस में, तो बताओ नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा, वो डिसोसिएट नहीं होएगा, सिंपल बराबर। द सब्सटेंस विच डू नॉट आयोनाइज, या फिर जो आयन बनाता है इसको बोलते हैं डू नॉट आयोनाइज। द सब्सटेंस विच डू नॉट आयोनाइज व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर इज कॉल्ड एज नॉन इलेक्ट्रोलाइट, समझा रहेगा ना। सिंपल सिंपल है, ये कुछ हार्ड टॉपिक नहीं है इसमें, समझा। तो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट तुमको समझाया क्या है, बोलो जरा फर्स्ट पॉइंट क्या था बताओ। द सब्सटेंस विच गिव राइज टू आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइट, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या है। द सब्सटेंस विच डू नॉट गिव राइज टू, या फिर विच डू नॉट आयोनाइज, ऐसा बोल सकते राइट, आयोनाइज व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर इज कॉल्ड एज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। चलो तो वैसे इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट हमने दो पढ़ लिया, अब देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या रहता है, बरा मतलब हम लोग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट बरा। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बहुत सिंपल सा मतलब है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब वो इलेक्ट्रोलाइट जैसे ही जिसको हम लोग वाटर में डिसॉल्व करेंगे वो पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाएगा, समझा कैसा है। और एग्जांपल देखो यहाँ पे रहेगा, ये देखो ये है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट HCl, बराबर। HCl को जैसे ही वाटर में डाल, देखो लिखा है एक्वा सोल्यूशन है, बराबर, जैसे ही HCl को वाटर में डालेंगे HCl पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाएगा, क्या बनाएगा H+ और Cl- आयन। तो HCl मेरे लिए क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, समझा। द सब्सटेंस विच कम्प्लीटली डिसोसिएट इन द वाटर इज कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ना, समझा कैसा है। अरे जो पूरी तरह से डिसोसिएट हो गया वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, समझा। और एक एग्जांपल देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट को भी तुमको दिखाता हूँ यहाँ पे, देखो ये दिख रहा है CH3COH, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड, बराबर। ये जो एसिड है ये जैसे ही हम लोग इसको वाटर में डालेंगे एक्वस सोल्यूशन इसका बनाएंगे तो ये क्या होता है, ये पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होएगा, ये कुछ CH3CO- का आयन बनाएगा और कुछ आयन H+ का बनाएगा, समझा, कुछ सब नहीं है। जैसे HCl क्या था, ये पूरी तरह से डिसोसिएट हो गया ना। देखो फर्क क्या है, सिंगल एरो और डबल एरो, डबल एरो बताता है कि ये जो यहाँ पे यूज किया है तुमने ये जो इलेक्ट्रोलाइट ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, समझा। डबल एरो वीक इलेक्ट्रोलाइट क्यों रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होता है, आयंस बनेगा प्लस साथ में तुम्हारे पास कुछ तो अनडिसॉल्व भी रहेगा, कुछ तो अनडिसोसिएटेड चीज भी रहेगा, वो अनडिसोसिएटेड और डिसोसिएटेड आयन के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है, इसके लिए यहाँ पे हमने डबल एरो बताया, बराबर। यहाँ पे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं होने वाला, HCl क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है जैसे ही वाटर में डालेंगे पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाएगा, H+ बनाएगा और Cl बनाएगा, यहाँ पे डिसोसिएटेड आयन है अनडिसोसिएटेड आयन नहीं है, बराबर, उसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, समझा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या है, सिंपल जो भी इलेक्ट्रोलाइट को वाटर में डालने से अगर वो कंप्लीटली डिसोसिएट होता है, बराबर, कंप्लीटली डिसोसिएट मतलब क्या है, उसके पास डिसोसिएटेड आयंस है बट अनडिसोसिएटेड कोई चीज नहीं है, उसको बोलेंगे हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, समझा क्या है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सिंपल कुछ एग्जांपल क्या क्या हो सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, बराबर, स्ट्रॉन्ग बेस भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग बेस का एक एग्जांपल रहेगा देखो यहीं पे कहीं, तो एक हाँ NaOH देखो यहाँ पे दिया है, ये स्ट्रॉन्ग बेस, बराबर, समझा, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट भी होता है, सॉल्ट जो होते हैं ना सॉल्ट वो भी स्ट्रॉन्ग एसिड, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसे ही काम करता है, समझा पॉइंट क्या है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। चलो डिफाइन पढ़ते हैं, पढ़ो जरा डिफाइन क्या है। द इलेक्ट्रोलाइट्स आयोनाइजिंग कंप्लीटली आर कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग, सिंपल ना, जो कंप्लीटली आयोनाइज होता है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। द इलेक्ट्रोलाइट्स आयोनाइजिंग कंप्लीटली आर कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, बताओ एग्जाम्पल क्या क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड बोलो तो कुछ बोल रहे नहीं है, स्ट्रॉन्ग बेस और सॉल्ट, समझा तीन एग्जाम्पल क्या क्या है।
समझा तुमको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? सिंपल, जो कंप्लीटली डिसोसिएट होकर आयंस बनाता है, उसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो सकता, दिख रहा है ये एसिड, क्योंकि ये वीक एसिड है, समझा? स्ट्रॉन्ग एसिड ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, बराबर। वीक एसिड लिखा है क्या मैंने एग्जाम्पल में? नहीं, स्ट्रॉन्ग बेस ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है, बराबर। स्ट्रॉन्ग बेस भी देखो एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, वीक बेस दिख रहा है, ये वीक बेस है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। वीक बेस कभी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं हो सकता, समझा क्या? अरे सिंपल लॉजिक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तुमको स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तुमको स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, समझा? सॉल्ट रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन वीक बेस और वीक एसिड, ये दिख रहा है, ये कभी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं हो सकता है। नाम ही है ना वीक, तो स्ट्रॉन्ग कैसे रहेगा? समझा पॉइंट कैसा है? तो याद रहेगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या है, द इलेक्ट्रोलाइट विच आयनाइज कंप्लीटली आर कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। एग्जाम्पल है स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और सॉल्ट। चलो आगे पढ़ते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है? वीक नाम में ही है, वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या? एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो कंप्लीटली डिसॉल्व, मतलब कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है। देखो ये दिख रहा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये वीक बेस है, वीक बेस एग्जाम्पल है वीक इलेक्ट्रोलाइट का। एसिटिक एसिड वीक एसिड है, ये एग्जाम्पल है वीक इलेक्ट्रोलाइट का, समझा? देखो सिंपल ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या क्या आया था? स्ट्रॉन्ग एसिड आया था, स्ट्रॉन्ग बेस आया था, वैसे ही वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या आएगा? वीक एसिड आएगा ना, वीक एसिड इसका एग्जाम्पल है और वीक बेस भी इसका एग्जाम्पल है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है क्या? वीक इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है, और अगर ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हुआ है, मतलब सबका जो भी तुम्हारे पास मॉलिक्यूल तुमने यूज किया था वो क्या कंप्लीटली आयंस बनाया है क्या? नहीं, तुम्हारे पास डिसोसिएटेड आयंस है, क्योंकि वो इलेक्ट्रोलाइट है, नाम में इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब वो डिसोसिएटेड आयन तो बनाएगा, प्लस कुछ तो तुम्हारे पास अनडिसोसिएटेड चीज भी रहेगा। वो अनडिसोसिएटेड और वो डिसोसिएटेड आयन के बीच में एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है, राइट है? समझा पॉइंट क्या है? अरे सिंपल है एकदम, सेम वैसे देखो वीक बेस को देख लो, वीक बेस भी एग्जाम्पल है तुम्हारा वीक इलेक्ट्रोलाइट का। वीक बेस डिसोसिएट होके ये आयंस बनाएगा, अब क्योंकि ये वीक है तो पूरी तरह से सबका सब आयंस नहीं बनाने वाला है, कुछ आयंस तुम्हारे पास रहेंगे, प्लस कुछ तुम्हारे पास अनडिसोसिएटेड चीज भी रहेगा। वो अनडिसोसिएट चीज और ये डिसोसिएट आयन के बीच में क्या एस्टैब्लिश होता है? इक्विलिब्रियम। बराबर, याद रखना इक्विलिब्रियम सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट केस में आता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में इक्विलिब्रियम नहीं आता। एग्जांपल देख लो, HCl में तुमको इक्विलिब्रियम नहीं दिखाई देगा, डबल एरो है ही नहीं वहां पे, यहां पे डबल एरो नहीं, क्योंकि ये वीक है क्या? ये स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ना। वीक एसिड वीक बेस किसका एग्जाम्पल है? वीक इलेक्ट्रोलाइट। सिंपल लॉजिक, राइट? हार्ड नहीं है, बहुत ईजी टॉपिक है। तो समझ गया वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है? बहुत सिंपल है, एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो कंप्लीटली आयनाइज नहीं होता है, बराबर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वीक। स्पेशलिटी है कंप्लीटली अगर आयनाइज नहीं हो रहा है, मतलब डिसोसिएटेड आयन है, इसका मतलब नहीं कि डिसोसिएटेड आयन नहीं है, है लेकिन पूरा डिसोसिएटेड आयन नहीं है, ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत डिसोसिएटेड आयन है, और थोड़े बहुत तुम्हारे पास क्या रहेगा? अनडिसोसिएटेड कुछ तो चीज रहेगा, राइट? और उनके बीच में क्या एस्टैब्लिश होता है? इक्विलिब्रियम। चलो पढ़ते हैं, फर्स्ट पॉइंट पढ़ो, क्या है? द इलेक्ट्रोलाइट विच डिसोसिएट इनटू स्मॉलर एक्सटेंट, बराबर, ज्यादा डिसोसिएट नहीं हुआ है, थोड़ा सा ही डिसोसिएट हुआ है इन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज वीक इलेक्ट्रोलाइट। एग्जांपल क्या क्या रहेगा? वीक एसिड वीक बेस, बराबर। अब एग्जांपल भी याद कर लो, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल बताओ, HCl और NaOH, बराबर ना। वीक एसिड और वीक बेस का एग्जांपल, एसिडिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, बराबर। सेकंड पॉइंट पढ़ो, बता दिया, सिखा दिया, जस्ट पढ़ना है तुमको, पढ़ो। एन इक्विलिब्रियम दस कैन बी एस्टैब्लिश बिटवीन द आयंस, रुक जाओ, आयंस कौन, मतलब ये ना, और दूसरा कौन था? अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स ना, कुछ अनडिसोसिएट मतलब क्या, जो तुमने यूज किया वही तो अनडिसोसिएट हुआ रहेगा ना, मतलब वो डिसोसिएट नहीं हुआ, मतलब वो अनडिसोसिएट है ना, एक ही बात है, समझा? तो वीक इलेक्ट्रोलाइट वाले केस में तुम्हारे पास आयंस और अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या एस्टैब्लिश होता है? एक लिए, इसके लिए वहां पे डबल एरो रहता है हमेशा, समझा पॉइंट क्या? देखो इधर दिया भी डबल एरो वाला पॉइंट, पढ़ो नेक्स्ट वाला पॉइंट, द आयनाइजेशन रिएक्शन, मतलब इसको बोलते हैं आयनाइजेशन रिएक्शन, जो आयंस प्रोड्यूस करता है वो रिएक्शन को आयनाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। द आयनाइजेशन रिएक्शन देयरिन इज रिप्रेजेंटेड एज डबल एरो, दिख रहा है तुमको डबल एरो, बराबर, डबल एरो बिटवीन आयंस, आयंस के बीच में है और किसके बीच में? अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल के बीच में ना। अरे इजी है ना, इजी है, समझा वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है? समझा रहेगा ना, एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है, बराबर, और साथ में एक्स्ट्रा क्या रहता है उसके पास? अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल, उनके बीच में क्या एस्टैब्लिश होता है? इक्विलिब्रियम, और किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डबल एरो ना, डबल, यहाँ पे डबल एरो नहीं होता, यहाँ पे सिंगल एरो, समझा कैसा है? चलो अब पढ़ते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। वाटर एक्चुअल में एम्फोटेरिक दिखाता है, वाटर जो है ना वो एम्फोटेरिक नेचर दिखाता है, मतलब वो एसिड जैसा बिहेव करता है और बेस जैसा भी बिहेव करेगा। वो बताता हूँ, पूरा एसिड बेस के ऊपर ही पूरा आज का पूरा पूरा कंटेंट,
पढ़ेंगे कि वाटर क्यों एम्फोटेरिक नेचर दिखाता है, बराबर। मतलब वो एसिड भी जैसा बिहेव करता है, जब उसको बेस के साथ रिएक्शन करेंगे ना तो वो एसिड जैसा बिहेव करता है, और जब उसको एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो वो बेस जैसा बिहेव करता है। ऐसा क्यों होता है वो देखेंगे अभी आगे, अभी स्टार्टिंग अभी नहीं समझ आएगा इतना जल्दी, लेकिन पढ़ाऊंगा आगे, बराबर। तो समझा पहले क्या बताया मैंने तुमको, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट समझाना, बोलो कितना टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है, दो, कौन सा है, स्ट्रांग और वीक। स्ट्रांग कंप्लीटली डिसोसिएट, वीक हाँ मतलब आयनाइज पूरी तरह से नहीं होता है, स्मॉल एक्सटेंट से होता है, और क्या बनाता है कुछ क्या रहता है उसके पास एक्स्ट्रा, अनडिसोसिएटेड, और क्या एस्टेब्लिश होता है, कैसा रिप्रेजेंट करते हैं, डबल आर, इजी। चलो पढ़ते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम लोगों ने सोल्यूशन में पढ़ा है ना, पढ़ा है ना, वहाँ पे अल्फा सेड ही नोट किया था वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे पढ़ा था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसके लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब हम लोग यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के पढ़ सकते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डिग्री ऑफ, मतलब इतना तो क्लियर है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए बहुत ज्यादा वैल्यू रहेगा, बहुत ज्यादा वैल्यू रहेगा ना उसके लिए। अरे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या बताता है, कितना डिसोसिएट हुआ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन तो पूरी तरह से डिसोसिएट हो गया ना, समझा ऐसा। चलो तुमको ऑलरेडी मालूम भी है ये फॉर्मूला वहां पे आया था, मैंने तीन चार फॉर्मूला वहां पे बताया था, बराबर वैसा ही कुछ। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है क्या, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैन बी डिफाइंड एज द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब अपॉन फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट दैट डिसोसिएटेड इन द आयंस व्हेन इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड। बोलने का मतलब क्या, देखो एक्चुअल में हम ये इधर मैंने स्ट्रांग तो नहीं दिखाया ना, नहीं स्ट्रांग नहीं, वीक के लिए है। देखो क्यों मान, कैसे मानना पड़ा है वीक के लिए दिया है यहाँ पे, ये देखो वर्ड देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कौन से वाले केस में आता है, वीक वाले केस में आता है ना। अगर समझो तुमको स्ट्रांग के लिए लिखने का रहेगा तो ऑलमोस्ट इसका आंसर वन को अप्रोच करेगा, वन ही रहेगा समझो। सोचो ना फॉर्मूला देखो, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड मतलब कितना नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट हो गया, अपॉन देखो नीचे क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स मतलब कितना था और कितना डिसोसिएट हो गया। अब सोचो अगर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट होता बराबर, तो जितना नंबर ऑफ मोल्स तुमने यूज किया उतना पूरा का पूरा डिसोसिएट होता ना, तो आंसर क्या रहता, वन, समझा समझा ना। तो ये दिया किसके लिए, वीक के लिए दिया, इक्विलिब्रियम लिखा हुआ ना क्लियर, समझा ये वीक के लिए पढ़ा भी था ना, पहले भी वीक के लिए पढ़ा हमने, सिंपल है। तो बताओ वीक के लिए अल्फा का आंसर ग्रेटर देन वन की लेस देन वन, लेस देन वन, सिंपल लॉजिक है, जितना नंबर ऑफ मोल्स तुम लोग यूज करेंगे क्या पूरा का पूरा डिसोसिएट होएगा, कम डिसोसिएट होगा, ऊपर कम वैल्यू नीचे बड़ा वैल्यू ना, नीचे ज्यादा वैल्यू तो जीरो पॉइंट में आंसर आएगा ना, मतलब वन से छोटा, समझा पॉइंट क्या है। एक बार फिर से पॉइंट समझो क्या, कितना नंबर ऑफ मोल्स तुमने यूज किया था उसमें से कितना नंबर ऑफ मोल्स तुम्हारा वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट हुआ, जितना भी डिसोसिएट हुआ उसको ग्रेटर में रखो, और जितना यूज किया था उसको डिनोमिनेटर डिवाइड करो, तुमको मिल जाएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, समझा कैसा है, समझा बोलो। अगर तुमको परसेंटेज डिसोसिएशन निकालने का है, परसेंटेज कैसे निकाल, फ्रैक्शन तो पहले से जस्ट मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100, 100 से मल्टीप्लाई कर दिए किसमें आ गया, परसेंटेज डिसोसिएशन, समझा कैसा है। अरे इजी है, एक तुमको हार्ड लग रहा है, इजी है ना, जो भी नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट हुआ वो न्यूमरेटर में, जितना यूज किया था वो डिनोमिनेटर, बस सिंपल इंटू 100 करो तो परसेंटेज डिसोसिएशन मिल जाएगा। चलो तुमको एक और चीज सिखाता है यहाँ पे मैं, कि अगर तुमको समझो कॉन्सेंट्रेशन निकालने का है, बराबर किसका कॉन्सेंट्रेशन, कैटायंस और एनायंस का कॉन्सेंट्रेशन। अब इतना तो है कि कैटायंस और एनायंस का जो भी कंटेंट रहेगा वो वीक इलेक्ट्रोलाइट में कमी रहेगा ना, अरे वीक इलेक्ट्रोलाइट में ज्यादा मिलता है क्या तुमको, ये आयन ज्यादा मिलता है क्या, नहीं ना, ये कम मिलता है क्योंकि साथ में तुम्हारे पास क्या है, अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल भी है, समझा ना। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना रहेगा, मतलब कितना है वो कैसे निकालेंगे, वो बहुत ईजी है। डायरेक्ट क्या करो तुम लोग, निकालो पहले डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, पहले क्या निकाल के लो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा निकाल लो एक बार जैसे तुमको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा मिल गया उसको मल्टीप्लाई कर दो कॉन्सेंट्रेशन से, सोल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन जो तुमने यूज किया था, उसमें भी हम लोग यूज करेंगे मोलारिटी, मोलारिटी मालूम है ना, मोलारिटी पढ़ा भी तो है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर और 1 dm³, 1 लीटर को 1 dm³ बोलते हैं ना, मालूम है ना। हाँ तो सिंपल क्या करेंगे तुम लोग, पहले निकाल के मालूम है कर क्या रहे हैं हम लोग, पहले हम लोग जो भी आयंस बनाए ना वीक इलेक्ट्रोलाइट में उसका कॉन्सेंट्रेशन निकाल रहे हैं। तो कैसे निकलता है, बहुत ईजी है, वो रिएक्शन का तुम लोग क्या निकाल के लो, पहले डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा और उसको मल्टीप्लाई कर दो कॉन्सेंट्रेशन से, बराबर। ये कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा तुम्हारे लिए, एक्चुअल में मोलारिटी है, बराबर एक्चुअल में क्या है वो, मोलारिटी, मोलारिटी का यूनिट होता है ना मोल पर dm³ या फिर मोल पर लीटर, अभी तो बोला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन ना, मालूम है ना मोलारिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, समझा, मोलारिटी में नीचे सॉल्वेंट और 1 kg, और मोलारिटी में नीचे सोल्यूशन और 1 लीटर, याद रखना सिंपल ऐसा। तो पढ़ो पॉइंट क्या है, इफ सी इज द
मोलर कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या, मोलारिटी, मोलर कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या, मोलारिटी, मालूम है तुमको? हाँ, इफ सी इज द एक्चुअल मोलारिटी को डिनोट किससे करते हैं हम लोग, कैपिटल है, बराबर, ठीक है, चलो पढ़ो दिया, ऐसा कुछ अल्फाबेट से कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ सी इज द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट देन इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटायंस एंड एनायंस, मतलब आयंस ना, एक ही बात है। अगर तुमको कैटायंस और एनायंस का इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे ही तुम लोग निकालेंगे ना कॉन्सेंट्रेशन, इसमें इक्विलिब्रियम आता है, इसमें नहीं आता है। अगर इधर रहता तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेशन बोलता था, बराबर, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो रहा है ना, वीकली पढ़ा ना हम लोग, डिग्री ऑफ डिस्टेंस ही रहता है, वीकली रहता है। तो अगर तुमको मोलर कॉन्सेंट्रेशन निकालने का है कैटायंस और एनायंस का, कहाँ पे निकालेंगे, मतलब एक्चुअल में कौन सा कॉन्सेंट्रेशन, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे ना, और इसके लिए तुमने एक पैरामीटर को डिफाइन किया सी, क्या बोलते हैं उसको, मोलर कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलारिटी, ठीक है, एक ही बात है। इफ सी इज द मोलर कॉन्सेंट्रेशन बराबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो भी तुमने यूज किया था, राइट, ये जो भी रहेगा तुम्हारा वीक एसिड या फिर वीक बेस, इफ सी इज द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट देन इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनायंस और कैटायंस इज गिवन बाय अल्फा इंटू सी। अल्फा को कोई यूनिट रहेगा नहीं, क्यों, नंबर ऑफ मोल्स, यूनिट मोल आएगा न्यूमरेटर में, नीचे भी नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स मोल्स कैंसिल ना, अल्फा को यूनिट नहीं होता है, मतलब जो भी यूनिट है वो किसका यूनिट है, सी का, बराबर। और सी का यूनिट अगर मैंने मोल पर डीएम क्यूब लिखा है तो तुमको क्लियर समझ में आना चाहिए कि सी क्या रहेगा तुम्हारे लिए, मोलारिटी, क्योंकि मोलारिटी का तो यूनिट होता है मोल पर डीएम क्यूब, मालूम है ना, 11th पढ़ाया ना सब लोगों ने, हाँ समझा, बताओ कैसे किया हम लोगों ने डिग्री ऑफ, बहुत इजी पॉइंट है, हार्ड नहीं है, टॉपिक ही हार्ड नहीं है, तो बहुत इजी चैप्टर है, समझो। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए देख रहे हैं, मैंने स्टार्टिंग में स्ट्रॉन्ग बोला बट स्ट्रॉन्ग नहीं, स्ट्रॉन्ग के लिए बताओ अल्फा का वैल्यू कितना रहेगा, 1 ना, देख लिया, और वीक के लिए लेस देन 1, ये हमने न्यूमेरिकल करेंगे तो मालूम पड़ेगा इसमें। और तो हमने पढ़ा कि डिग्री ऑफ अपने मन से ही बना सकते हैं, ये डिफाइन अपने मन से बनाओ ना, यहाँ से अगर ये तुमको हार्ड लग रहा है ये बना लो, बराबर। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट इज गिवन बाय या फिर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिसोसिएटेड आयंस मतलब कैटायंस और एनायंस टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड, सिंपल ना, इजी रहेगा। तो ये तुम्हारा ये हो जाएगा, और परसेंटेज अगर तुमको निकालना है डिसोसिएशन तो कैसे निकालेंगे, अल्फा इंटू 100। अगर तुमको मोलर कॉन्सेंट्रेशन निकालने का है कैटायंस और एनायंस का तो कैसे निकालेंगे, अल्फा इंटू सी, वेयर सी इज द मोलर कॉन्सेंट्रेशन, मींस क्या है वो, मोलारिटी है, समझा है ना, अरे बोलो नहीं बोलेंगे नींद आएगा तुमको, समझा क्या है, ओके। फिर पढ़ते हैं एसिड क्या है, बेस क्या है, जो ऑलरेडी हम लोग बहुत बार पढ़े हैं, बहुत पहले से पढ़ते आए, 10th में पढ़ा है बहुत बार, एसिड क्या है, बेस क्या है, बराबर। तो अलग अलग थियरी है एसिड बेस बताने के लिए, पहले रॉन्ग है फिर आगे राइट भी आएगा, ऐसा भी नहीं कि पूरी तरह से रॉन्ग है, कहीं कहीं वो राइट भी है, समझा। स्टार्ट करते हैं एसिड क्या है और बेस क्या है, बराबर, देखते हैं एसिड और बेस क्या है। सबसे पहला साइंटिस्ट जिसने बताया एसिड और बेस क्या है वो था अरेनियस, बराबर, अरेनियस थियरी पढ़ा भी रहेगा पहले, बराबर, अरेनियस थियरी ऑफ एसिड एंड बेस। ये थियरी क्या बोलता है, ये थियरी एक्चुअल में एसिड और बेस के बारे में बताया कि कौन एसिड है कौन बेस है, सिंपल। अरेनियस ने क्या बताया, जो भी सब्सटेंस के पास हाइड्रोजन है और वो अगर हाइड्रोजन डोनेट कर सकता है तो वो एसिड है, समझा, समझा एसिड क्या है, जो भी सब्सटेंस के पास हाइड्रोजन है और अगर वो हाइड्रोजन आयन H+ आयन मतलब प्रोटॉन को डोनेट कर सकता है तो वो क्या है, एसिड, बराबर। बेस का डिफाइन सुनो अरेनियस थ्योरी के हिसाब से, जो भी सब्सटेंस के पास OH- ग्रुप है, OH- ग्रुप है और अगर वो OH- ग्रुप OH- आयन को डोनेट कर सकते हैं तो वो क्या रहेगा, बेस। से एक बार फिर से जरा सुनो, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग वैसे, अरेनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस, बहुत सिंपल है। द सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस के पास अगर H+ आयन है और अगर वो उसको डोनेट कर सकता है तो एसिड, जो भी सब्सटेंस के पास OH- आयन है और वो उसको अगर डोनेट कर सकता है तो बेस, सिंपल यही पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट वही पढ़ा है। पढ़ो एसिड का डिफाइन क्या है, एसिड इज अ सब्सटेंस विच हैज हाइड्रोजन, बताया ना हाइड्रोजन होना चाहिए और क्या करना चाहिए, हाइड्रोजन डोनेट, हाइड्रोजन मतलब H+ आयन को डोनेट करें एंड गिव्स H+ आयन और सोल्यूशन में डालने के बाद ही देगा ना, ऐसे थोड़ी दे देगा, द एसिड इज अ सब्सटेंस विच हैज हाइड्रोजन आयन मतलब हाइड्रोजन एंड इट कैन गिव H+ आयन, उसको ही बोलते हैं, और कब देना चाहिए वो, एक्वस सोल्यूशन, सिंपल एग्जांपल HCl पानी में डाल दिया कैसे बन गया, एक्वस, बराबर। जैसे ही वो एक्वस है तो अभी एक्वस है मतलब क्या, ये दो आयन बनाएगा H+ और Cl- का आयन बनाएगा, H+ और Cl- का आयन बनाया, मतलब एक्चुअल में हुआ क्या, ये कंपाउंड ने क्या किया, इसके पास हाइड्रोजन है क्या, है, और क्या ये H+ का आयन दे सकता है, दिया, मतलब ये क्या है, एसिड, ये एसिड है ना, HCl क्या है, एसिड, अरेनियस थ्योरी के हिसाब से, समझा। आगे देखते हैं ये क्या है, एसिटिक एसिड ना, एसिटिक एसिड, ये तो नाम में हमने एसिड बोला, ठीक है, क्या इसके पास हाइड्रोजन तुमको दिखाई दे रहा है, क्या ये रिएक्शन में हाइड्रोजन दे सकता है, दिया, बराबर, तो ये भी क्या है, एसिड,
अरेनियस थ्योरी के हिसाब से, समझा? द सब्सटेंस विच हैज हाइड्रोजन एंड विच कैन डोनेट एच प्लस आयन इज कॉल्ड एज एसिड इन एक्वा सोल्यूशन. एक्वा सोल्यूशन में डोनेट करेगा और किसमें करेगा, समझा ना पॉइंट? ईजी है एकदम. तो एग्जाम्पल भी समझ गया रहेगा तुमको. दो एसिड के एग्जाम्पल दे दो, बरा एक HCl दे दो और एसिडिक एसिड दे दो. चलो अरेनियस देखो, फिर अरेनियस के पास एक प्रॉब्लम आ गया. मतलब जब उसने बताया कि जो भी चीज़ के पास हाइड्रोजन होता है और वो हाइड्रोजन आयन डोनेट करता है तो वो एसिड, तो उनको पूछा गया कि तो वाटर के बारे में क्या है? वाटर के पास भी हाइड्रोजन है और वो भी एच प्लस आयन देता है एक्चुअल में ना, तो क्या वाटर भी एसिड है? नहीं. तो वहाँ पर अरेनियस ने क्या बताया, वाटर में जो एच प्लस आयन है वो बेयर आयन है. बराबर, अरेनियस डिस्क्राइब एच प्लस आयन इन वाटर एज अ बेयर आयन, मतलब एक्स्ट्रा, बराबर बेयर आयन. वो जो बेयर आयन है वो क्या करता है, वो हाइड्रेट्स बनाता है. क्या करेगा वो, हाइड्रेट्स बनाने में काम में आएगा. दे हाइड्रेट, वो हाइड्रेट बन जाता है. दे हाइड्रेट इन एक्वस सोल्यूशन एंड दस बराबर रिप्रेजेंटेड एज बेयर आयन. हाइड्रेट्स का मतलब मालूम है? देखो एच प्लस, देखो एच टू ओ को तोड़ेंगे तो एच प्लस और ओ एच माइनस आयन बनता है. बराबर, वो जो H प्लस आयन है, H प्लस आयन, वो जो आयन है इस, ये क्या करेगा, ये एक्चुअल में वाटर में कैसा आयन है, बेयर. ये कौन बोल रहा है ऐसा, अरेनियस. अरेनियस बताते हैं कि जो H प्लस आयन है इन वाटर इज अ बेयर आयन और वो हाइड्रेट्स बनाता है. हाइड्रेट्स का मतलब क्या है, ये H प्लस एक दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिल जाएगा और बनाओ, बताओ क्या बनेगा, एच टू ओ और एच प्लस क्या बनता है, एच थ्री ओ प्लस हाइड्रोनियम आयन. मालूम है ना, पढ़ा रहेगा ना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, टेंथ में था ना ये सब चीज़ तुमको. तो H प्लस एच टू ओ के साथ मिलके क्या बना देगा, उसको ही बोलते हैं हाइड्रेट्स. उसी को बोलते हैं ना हाइड्रेट्स, मालूम है ना तुमको. हाँ, तो समझा अरेनियस ने क्या बताया. अरेनियस ने को जब क्वेश्चन किया गया कि व्हाट अबाउट वाटर, वाटर के लिए क्या है, वाटर में भी हाइड्रोजन है और वो भी एच प्लस आयन दे सकता है, तो उन्होंने बताया कि वाटर में जो एच प्लस आयन है वो क्या है, वो बेयर आयन है और वो क्या बनाएगा, हाइड्रेट्स. मतलब वो एच प्लस दूसरे वाटर के साथ मिलकर क्या बना सकता है, हाइड्रोनियम आयन एच थ्री ओ प्लस. यही रीजन था और कुछ नहीं, समझा? आते हैं कि बेस क्या है. बेस भी तुमको समझ में आ गया, एक ऐसा सब्सटेंस जिसके पास OH- ग्रुप है और वो अगर OH- आयन को डोनेट कर सकता है तो बेस. समझ में आ रहा है ना? बराबर, एग्जांपल NaOH, NaOH बराबर, NaOH, समझा? समझा क्या था वहां पे? अरे HCl है ना, HCl है ना, हाँ NaOH, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस की वीक बेस, स्ट्रॉन्ग इसके लिए इक्विलिब्रियम ने ऐसा वहां पे गलत हो गया, चेंज करता हूँ, टेस्ट में वैसे दिया है, याद है तो चेंज करा दिया. चलो NaOH एक्वस पानी में डाल दिया, एक्वस बन चुका है, बराबर स्ट्रॉन्ग बेस है, डिसोसिएट हो जाएगा, क्या बनाएगा, Na प्लस OH माइनस. क्या इसके पास OH ग्रुप था? हाँ. क्या ये OH माइनस आयन को डोनेट किया? हाँ. तो मतलब ये बेस है अरेनियस के हिसाब से, समझा? NH4OH नाम अमोनियम हाइड्रो, NH4 मतलब अमोनियम, राइट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड. क्या इसमें तुमको OH माइनस ग्रुप दिखाई दे रहा है? ये एक्चुअल में है क्या, ये वीक बेस है? हाँ वीक बेस है, ये वीक बेस है ना, तभी तो रिवर्स में लिखा है. ये OH- ग्रुप इसके अंदर दिखाई दे रहा है और ये डिसोसिएट होकर OH- आयन भी देता है, बराबर ना? मतलब ये क्या है बताओ, बेस है? अरे बोलो तो, कुछ बोल रहे नहीं तुम लोग आज, ये क्या बोलते हैं इसको, ये बेस है ना? क्यों बेस हो बताओ, क्योंकि उसके पास क्या है, OH ग्रुप है और OH- आयन दे सकता है, इसके लिए वो बेस. सिंपल तो डिफाइन है, हार्ड नहीं है चैप्टर, मतलब चैप्टर सबसे ईजी है तुम्हारे सिलेबस का. समझा एसिड क्या है, द सब्सटेंस विच हैज एच हाइड्रोजन बराबर हाइड्रोजन एटम एंड विच कैन गिव एच प्लस आयन इज कॉल्ड एज एसिड. बराबर, द सब्सटेंस विच हैज OH ग्रुप एंड विच कैन डोनेट OH माइनस आयन इज कॉल्ड एज, सिंपल अपने मन से बनाओ ना, एक स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड का एग्जांपल दो, एक स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस का एग्जांपल दो. स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल बताओ HCl, वीक एसिड का एग्जांपल बताओ एसिडिक एसिड CH3COH, वीक बेस का एग्जांपल बताओ, वीक बेस बोल रहा हूँ मैं, वीक बेस क्या रहेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बराबर, और स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, समझाना कैसा है? बराबर, एक और प्रॉब्लम आया बाद में, जैसे इधर एसिड बताने के टाइम पे वाटर वाले प्रॉब्लम, वाटर में प्रॉब्लम आ गया, बराबर, वैसे बेस बताने के टाइम पे प्रॉब्लम आया अमोनिया वाले ग्रुप में, अमोनिया, अमोनिया वाले में अमोनिया गैस, बराबर, अमोनिया भी बेस है, अमोनिया क्या है, बेस, लेकिन अरेनियस की थियरी के हिसाब से बेस के पास क्या होना चाहिए, OH ग्रुप होना चाहिए. अमोनिया का जरा फॉर्मूला बताओ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला NH3, OH है क्या, लेकिन फिर भी वो बेस है, तो ऐसा कैसे हुआ, ये क्वेश्चन आया, इसके लिए अरेनियस का थ्योरी फेल. समझा क्वेश्चन क्या है, पॉइंट पढ़ते हैं. अरेनियस थ्योरी इज ओनली एप्लीकेबल फॉर एक्वस सॉल्यूशन, पहली बात तो एक्वस सॉल्यूशन में ही एप्लीकेबल है. आगे, इट डज नॉट अकाउंट फॉर बेसिसिटी ऑफ अमोनिया, अमोनिया का बेसिसिटी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और सोडियम कार्बोनेट इसका भी बेसिसिटी नहीं मालूम पड़ा. कौन से थ्योरी के हिसाब से, अरेनियस का थ्योरी मतलब बता ही नहीं सका कि अमोनिया बेस क्यों है, जबकि वो एक्चुअल में बेस है, अमोनिया बेस है, सोडियम कार्बोनेट भी बेस है,
ये बेस क्यों है, कैसे है, वो आरएनएस का थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाया क्योंकि इसमें तुमको ओएच दिख रहा है कहीं पे, ओएच ग्रुप अगर ओएच है नहीं तो डोनेट कैसे करेगा, लेकिन फिर भी वो क्या है बेस पर विच डू नॉट हैव ओएच माइनस, इसके बाद ओएच माइनस आया नहीं लेकिन फिर भी वो क्या है बेस। ये आंसर कौन नहीं दे पाया? देखो दो गलती हो गया आरएनएस से, पहले बताओ फर्स्ट गलती कहां पे हुआ, वाटर वाले केस में बरा, ऐसा बेयर आयन नाम का कोई चीज होता नहीं है। सेकंड गलती कहां पे हो गया, अमोनिया का बेसिसिटी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और सेकंड सोडियम कार्बोनेट का बेसिसिटी भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, समझा आरएनएस का थ्योरी फ्लॉप कहां पे हो गया। आगे बढ़ते हैं, आरएनएस का थ्योरी होने के बाद क्यों इसका थ्योरी रॉन्ग हुआ, तो ऐसा नहीं कि पूरी तरह से रॉन्ग है बरा, कुछ कुछ चीज तो राइट है ना। एक्वस सॉल्यूशन में कोई चीज जिसके पास हाइड्रोजन एटम है और वो अगर डोनेट कर सकता तो वो एसिड एक्चुअल में है, समझा, ये चीज राइट है। फिर क्या, हाँ लेकिन वो भी वो बेस भी बता रहा हूँ ना, वाटर देखो वाटर एसिड जैसा बिहेव करेगा बेस जैसा ही बिहेव करता है बरा, वैसे एक्चुअल में इधर भी फेल हो गया, बेस के बारे में पूछा तो वाटर में भी होता है ना, वाटर में भी ओएच माइनस होता है तो उधर भी फेल हो गया, जबकि वाटर एसिड भी नहीं है बेस भी नहीं, वो तो न्यूट्रल है, पीएच 7 होता है उसका, मालूम है ना, पढ़ा रहेगा, पढ़ते हैं, वाटर आएगा यहाँ पे एम्फोटेरिक नेचर में। उसके बाद नया थियरी है ब्रॉन्स्टेड लॉरी थियरी ऑफ एसिड एंड बेस, ए एंड बी लिखा है मतलब एसिड एंड बेस, समझा, ब्रॉन्स्टेड लॉरी थियरी बरा। ये थियरी क्या बोलता है, ये थियरी भी थोड़ा इसका अपग्रेड है बरा, थोड़ा अजीब ही थियरी है, देखते हैं क्या है। देखो ब्रॉन्स्टेड लॉरी थियरी क्या बताता है, थोड़ा यहाँ स्टार्टिंग का डिफाइन अलग है और जब अंदर कुछ किया वो अलग है, समझा, इसके थोड़ा कन्फ्यूजन नहीं, स्टार्टिंग से अच्छे से देखना। कौन सा थियरी देख रहे हैं हम लोग, ब्रॉन्स्टेड लॉरी थियरी क्या बोलता है, बहुत सिंपल थियरी है ये थियरी, क्या बोलता है सिंपल, ऐसा सब्सटेंस जो H+ आयन दे सकता है वो एसिड, समझा, और ऐसा सब्सटेंस जो H+ आयन को लेता है वो बेस, समझा, थियरी क्या है, सिंपल है। अरे इसका ही थोड़ा सा एडवांस है बस, ज्यादा कुछ नहीं, समझा, द सब्सटेंस विच कैन डोनेट H+ आयन इज एसिड अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लॉरी थियरी, एंड द सब्सटेंस विच कैन एक्सेप्ट H+ आयन इज बेस, सिंपल, समझा पॉइंट क्या है। पढ़ो एसिड का डिफाइन, एसिड का डिफाइन अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लॉरी थियरी पढ़ो, एसिड इज अ सब्सटेंस दैट डोनेट एच प्लस आयन, मत एच प्लस मतलब प्रोटॉन, मालूम है ना तुमको, एच प्लस आयन मतलब प्रोटॉन, टू अनदर, जो सब्सटेंस एच प्लस आयन दूसरे सब्सटेंस को देता है वो एसिड, जो सब्सटेंस एच प्लस आयन दूसरे सब्सटेंस से लेता है वो बेस, सिंपल, पढ़ो बेस का डिफाइन, द बेस इज अ सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट एच प्लस आयन मीन्स प्रोटॉन फ्रॉम अनदर सब्सटेंस, सिंपल ना, समझा अभी तक क्या बताया, अरे इजी है ये चैप्टर ही पूरा समझो, एकदम इजी है, समझा पॉइंट क्या बताया, ऐसा सब्सटेंस जो H+ आयन दे सकता है, अब ये नहीं बताया इसने कि हाइड्रोजन होना चाहिए क्या कुछ, वैसे तो ऑब्वियस है H+ आयन दे रहा मतलब हाइड्रोजन तो ऑब्वियस रहेगा तभी तो दे रहा है ना, तो जो सब्सटेंस H+ आयन दिया वो एसिड, जिसने लिया वो बेस, सिंपल। एक एग्जांपल देखो, थोड़ा यहां से यहां थोड़ा कंफ्यूजन होने तुमको चालू हो जाएगा, यहां पे ध्यान देना, यहां से ध्यान देना एकदम अच्छे से। देखो क्या क्या यूज किया, देखो मैंने वहां पे एक स्ट्रॉन्ग एसिड यूज किया मैंने HCl, बाजू में क्या है अमोनिया NH3 बराबर, दोनों का जब रिएक्शन हुआ बहुत सिंपल सा रिएक्शन होता है, ओरली कर सकते हैं। देखो क्या क्या हमारे पास HCl है और क्या है अमोनिया, HCl को ब्रेक करो, बोलो कैसे ब्रेक होता है, H+ और Cl- पे राइट, अगर H+ और Cl- में ब्रेक होता है अमोनिया है, अमोनिया में नाइट्रोजन एटम है, नाइट्रोजन के पास कैपेबिलिटी होता है कि वो एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बना सकता है, मालूम है ना, और एक पॉजिटिव साइन आ जाता है अगर वो एक्स्ट्रा बॉन्ड चौथा बॉन्ड बनाया तो, समझा, पहले से NH3 कितना बॉन्ड बनाया, तीन ना NH3, लेकिन कैपेबिलिटी है कि एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बना सकता है, जब बनाएगा तो ऊपर क्या आएगा प्लस साइन, NH3 है। देखो एक्चुअल में होता क्या, थोड़ा स्पेस रहेगा तुमको बताता हूँ मैं, देखो होता क्या सुन, इधर ही तो है, इधर देखो, इधर देखो, ये दिख रहा है नाइट्रोजन और तीन हाइड्रोजन अमोनिया, अरे दिख रहा है ना यहाँ पे अमोनिया, सामने क्या है H+ आयन, H+ आयन आया कहाँ से, HCl से तो आया बराबर, HCl ब्रेक होएगा H+ और Cl- में, Cl हमारे लिए बाय प्रोडक्ट में है, HCl का H+ हमारे लिए काम का चीज है। देखो H+ है, H+ से मतलब बताओ H+ के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं, हाइड्रोजन के पास एक ही तो इलेक्ट्रॉन होता है, वो निकाला तभी तो प्लस बना ना, अरे इतना मालूम है ना तुमको, H+ मतलब प्लस वन है, वो प्लस वन कैसे बना है, एक इलेक्ट्रॉन जो था वो भी निकाल लिया गया उसे तो बन गया H+। ये H+ जब अमोनिया से रिएक्ट हुआ, ये H+ जब मतलब होएगा क्या वो सुनो, देखो खुद के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, बॉन्ड बनाने का है, बॉन्ड बनने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ता है, दो, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, दिख रहा है तुमको लोन पेयर का मतलब मालूम है, बताओ जरा नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर बताओ, सेवन, जरा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, 1s2, बोलो 2s2, चार हो गया 2p3 ना, 1s2, 2s2, 2p3, सात हो रहा है, हो रहा है ना, हाँ देखो जरा वो p ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन है, तीन, इसके लिए वो एक्चुअल में तीन बॉन्ड बनाया, देखो एच एच एच, इसके लिए वो तीन बॉन्ड बनाया, लेकिन
2s वाला ऑर्बिटल देखो जरा, 2s वाला ऑर्बिटल उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? दो इलेक्ट्रॉन है बराबर। एक बात बताओ, 1s2 2s2 और ये जो 2p3 है इसके बाद बताओ क्या आता है? अरे 1s2 2s2 2p3 उसके बाद क्या आएगा? 3s2। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से देखो, एक्चुअल में ये देखो क्या इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है क्या बताओ? लोन पेयर समझ में आता है क्या? देखो थोड़ा और डिटेल में देखो, अगर मैं इसका ऑर्बिटल बनाऊँ तो पी ऑर्बिटल मालूम है कैसा रहता है? तीन कंपार्टमेंट ना, एस वाले में, एस में एक ही होता है ना, दो इलेक्ट्रॉन है ऐसा बरा, तीन इलेक्ट्रॉन मालूम है ना, अरे इसे पढ़ा ना 11th में। हाँ क्या तुमको दिखाई दे रहा है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन? दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाई दे रहे तुमको? ये क्या है ना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये दो का दोनों इलेक्ट्रॉन दे सकता है नाइट्रोजन के पास। ये देख रहे जो मैंने दो डॉट बनाया है, ये दो डॉट और कोई नहीं, ये वाला ये 2s2 का इलेक्ट्रॉन है उसके पास बराबर, और वो 2s2 का अपना दो इलेक्ट्रॉन देगा H+ को। और यहाँ पे देखो नाइट्रोजन ने अपना ही दोनों इलेक्ट्रॉन दिया है ना, तो एरो। एक्चुअल में बताओ, कोई मेरे को बताओ, ये जो बॉन्ड बना हुआ है इसमें जो दोनों इलेक्ट्रॉन लगा वो किसका लगा? नाइट्रोजन। ये टाइप के बॉन्ड को क्या बोलते हैं? आयनिक। कहाँ प्लस माइनस कहाँ दिखाई दे रहा है तुमको इसमें? ये टाइप के बॉन्ड को क्या बोलते हैं? पढ़ा है ना, करेक्ट, कोवेलेंट। एक्चुअल में इसका नाम है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, पढ़ा है 11th में बराबर। द बॉन्ड फॉर्म बाय कंप्लीटली शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ओनली वन एलिमेंट ना, ये दिख रहा है दो का दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एलिमेंट ने दिया ना, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। समझा? एक ऐसा बॉन्ड जो सिर्फ एक ही एलिमेंट के दोनों इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। समझा? जो सिर्फ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है वो कौन सा बॉन्ड होता है? कोवेलेंट बॉन्ड होता है, जो हाइड्रोकार्बन तुमको मेनली देखने मिलता है। समझा? आयनिक बॉन्ड में कैटायंस और एनायंस के बीच में बॉन्ड बनता है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच में। ठीक है, समझा यहाँ पे क्या हुआ क्या एक्चुअल में? समझा क्या हुआ? देखो समझने के लिए तुमको एकदम एटॉमिक लेवल पे आना पड़ेगा तो समझेगा। इधर आओ, अब देखो HCl और अमोनिया है बराबर, H अमोनिया को मिल गया और अब बन गया NH4। मैंने बताया नाइट्रोजन के पास कैपेबिलिटी है कि वो एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाता है, लेकिन साथ में क्या आता है? प्लस साइन। समझा क्या है? तो ये कौन सा आयन बन गया है? इसको बोलते हैं अमोनियम आयन, NH4 मतलब अमोनियम बराबर, अमोनियम का आयन है, कैटायन है कि एनायन है? कैटायन ना, हाँ अमोनियम कैटायन बन गया है यहाँ पर। देखो मतलब NH4+ बना ना, देखो ना उधर, और जो ये Cl- था उसको अलग रखा है मैंने। देखो ये इजी है, अभी अच्छा तो बताना बाकी है, ये तो बहुत इजी था। अब सुनो पॉइंट, देखो जरा ये जो अब इंडिविजुअल ना रिएक्शन पूरा मत देखो, रिएक्शन समझा दिया। HCl प्लस अमोनिया गिव्स अमोनियम आयन प्लस क्लोरीन का एनायन Cl- आयन बराबर। अब जरा ध्यान से देखो, मुझे ऐसा दो स्पीशीज बताओ जो पूरा रिएक्शन नहीं देखने का, इंडिविजुअल स्पीशीज देखो और बताओ ऐसा दो स्पीशीज जो हाइड्रोजन आयन मीन्स H+ आयन मतलब प्रोटॉन को डोनेट कर सकता है, HCl और NH4। समझा मेरा क्वेश्चन मेरा क्या था? मैं बोल रहा है रिएक्शन मत देखो, तुम लोग रिएक्शन देख के बता रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ मैं इंडिविजुअल स्पीशीज की बात कर रहा हूँ, बीच में प्लस बेस कुछ मत देखो। HCl, NH3, NH4, Cl- ये चार ऑप्शन है तुम्हारे पास। मैं बोल रहा हूँ ऐसा दो स्पीशीज बताओ जो हाइड्रोजन आयन H+ आयन का कैटायन डोनेट कर सकता है। कौन डोनेट करेगा? जिसके पास रहेगा वही डोनेट करेगा ना। HCl के पास है क्या H? डोनेट कर सकता है H+? हाँ। क्या NH4+ के पास H+ है क्या? ये क्या है H+? जा भी सकता है रिटर्न, मालूम है ना। हाँ तो HCl ये रिएक्शन में मेरे लिए एसिड वन है, क्या है? एसिड वन। और ये जो NH4+ है वो मेरे लिए एसिड टू है। अब बोले सर ऐसा कैसे हो गया? जो भी स्पीशीज हाई H+ आयन एक्सेप्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? बेस। लेकिन बेस ठीक है, ये रिएक्शन में अगर मैं इसको इंडिविजुअली देखूँ ना तो ये भी मेरे लिए क्या रहेगा बताओ? एसिड ही है। समझा कन्फ्यूजन? मैंने पहले बता दिया था ना वो स्टार्टिंग में, आप तो कन्फ्यूजन होने वाला है। समझा? ये पॉइंट अलग है, यहाँ से अलग चीज़ है, स्टार्टिंग में तुमको बताया मैंने, तो समझाए। अब इसके बारे में थ्योरी आगे लिखा है, तुमको समझेगा पॉइंट। पहले अब भूल जाओ ये जो स्टार्टिंग में पढ़ा हो, छोड़ दो, अब इधर आओ बराबर। जो भी ये इसमें दो स्पीशीज मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, दो मॉलिक्यूल जिसके पास हाइड्रोजन एटम है और वो H+ आयन दे सकता है, तो मेरे लिए क्या रहेगा? एसिड। एक बात बताओ, NH3 ने क्या किया? हाइड्रोजन लिया, H+ आयन लिया क्या? अरे NH3 के पास कैपेबिलिटी देखो हर एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का, क्या NH3 के पास कैपेबिलिटी है कि वो H+ आयन को ले सकता है और बॉन्ड बना सकता है? है, मतलब ये एक्सेप्ट कर रहा है ना H+ आयन, तो ये मेरे लिए बेस वन रहेगा। समझा? बोलो समझा।
क्या Cl- के पास कैपेबिलिटी है कि वो H+ अगर उसके सामने आए तो वो अपना दोनों इलेक्ट्रॉन दे के कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना के H+ आयन को ले लेगा? नहीं समझ में आ रहा है। अरे Cl- आयन के पास कैपेबिलिटी है क्या अगर इसके सामने H+ आया तो उससे उसको एक्सेप्ट करें? करेगा ना, क्यों नहीं करेगा? अरे Cl- है इसके सामने H+ आया तो क्या HCl नहीं बनेगा? नेगेटिव साइन मतलब दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है उसके पास, मतलब एक लोन पेयर एक्स्ट्रा है, तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन देके एच के साथ बॉन्ड ही बना सकता है, बना सकता है। तो अब मुझे बताओ ऐसा दो मॉलिक्यूल जो हाइड्रोजन दे सकता है, हाइड्रोजन दे सकता है, कुछ ही बोलते कभी भी, एच सी एल और एन एच फोर, समझा ना? ऐसा दो मॉलिक्यूल जो हाइड्रोजन मतलब एच प्लस आयन दे सकता है वो क्या है? एन एच एच सी एल है और क्या है? एन एच फोर प्लस। तो ये क्या है? एसिड। इसके लिए एसिड वन और एसिड टू नाम दिया। अब सुनो ऐसा दो मॉलिक्यूल बताओ जिसके पास कैपेबिलिटी है कि अगर सामने H+ आया तो उसको एक्सेप्ट करे। कौन है वो? NH3 एक प्रूफ है तुम्हारे सामने और Cl-। तो ये दोनों मेरे लिए क्या है? बेस वन और बेस टू। अब जानो अब इसके बाद थोड़ा और गेम अलग चेंज होगा। देखो क्या हो रहा है, समझा अभी तक? बोलो मैंने क्या बताया? ये समझा रहेगा तो ही आगे का समझेगा। इसके लिए स्टार्टिंग से एकदम ध्यान देते चलो। हर एक चीज का अगर तुमको मतलब समझना है तो उसके एटॉमिक लेवल पे चले जाओ, आराम से समझ में आ जाएगा वो क्या चल रहा है। हाँ अब देखो अभी कुछ नया ही पॉइंट सुनो। देखो HCl एसिड है बराबर, इसने क्या दिया? H+ आयन अपना दे दिया बराबर। इसने क्या दिया? H+ आयन दिया। जैसे ही इसने H+ आयन दिया तो इसने एक बेस को जनरेट किया। अरे HCl के वजह से ही तो ये Cl- बना हुआ है। Cl- कहाँ से आया? केमिस्ट्री से आया, इससे आया ना, तो इसका डायरेक्ट रिलेशन Cl- के साथ है बराबर। ये देखिए ये दिख रहे इसकी, इसको ज़रा ध्यान दो। ये जो Cl- थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके लिए बहुत बता, एकदम ध्यान से देखो, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी तो इजी समझ में आ जाएगा आगे। ये जो Cl- आया है ना ये बना HCl से है, बेस बना किससे? ध्यान सुना, Cl- आयन किससे बना है? HCl। खुद क्या है? जो बना वो बेस है, और बना मतलब जो बनने के बाद जो है वो Cl- वो बेस है ना, और बना किससे? वो एसिड से। जो बेस एसिड से बनता है, और नंबर भी देख लो जरा क्या है, वन है और उधर क्या है। हाँ जो बेस एसिड से बनता है वो बेस को हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस ऑफ दैट एसिड। क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट बेस। हाँ नया पॉइंट बता रहा हूँ कुछ समझा। आगे एक और चीज सुनो, ये एन एच फोर प्लस किसकी वजह से बना है? एन एच थ्री की वजह से। एन एच फोर प्लस खुद क्या है? बना किससे? बेस से। तो मैं बोलूंगा ये जो है ना ये कॉन्जुगेट एसिड है इस बेस का। समझ में आ रहा है क्या? अरे यहाँ जो भी चीज जिससे ही बनता है वो उसका कॉन्जुगेट रहता है, सिंपल सा लॉजिक है, समझा ना? आओ पॉइंट पर पढ़ो जरा, पॉइंट क्या है? द बेस प्रोड्यूस्ड, ये लिख रहा है इसका पॉइंट है, द बेस प्रोड्यूस्ड बाय। अच्छा ये बेस बना कैसे? एच सी एल ने कुछ दिया तो बना के कुछ एक्सेप्ट किया तो बना? दिया ना। द बेस प्रोड्यूस्ड बाय डोनेटिंग H+ प्लस आयन, द बेस प्रोड्यूस्ड बाय डोनेटिंग H+ प्लस आयन कॉल्ड एज कॉन्जुगेट बेस ऑफ दैट एसिड। वही पॉइंट देखो वहां पे, बराबर ना? अरे समझ में आ रहा है क्या बताया? ओके तो समझा क्या है, कौन किसका कॉन्जुगेट? पॉइंट याद करने का जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। ये दिख रहा है जो बेस, द बेस प्रोड्यूस्ड बाय डोनेटिंग H+ आयन फ्रॉम एसिड इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेट बेस ऑफ दैट एसिड। सिंपल, वही तो पॉइंट है वहां पे। एंड दूसरा भी है, दूसरा, एंड द एसिड प्रोड्यूस्ड बाय डोनेट के एक्सेप्ट किया, एक्स्ट्रा आ गया ना, एंड द एसिड प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेप्टिंग क्या? एच प्लस आयन बराबर फ्रॉम इज कॉल्ड एज एसिड ऑफ द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ दैट बेस। हाँ देखो पॉइंट वैसे कुछ है ना, द बेस प्रोड्यूस बाय डोनेटिंग अ प्रोटॉन फ्रॉम, प्रोटॉन मतलब एच प्लस आयन ना, एक ही बात है, फ्रॉम एसिड इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेट बेस ऑफ दैट एसिड, एंड द एसिड प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन फ्रॉम द बेस बराबर, बेस से प्रोटॉन एक्सेप्ट किया ना, इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेट बेस ऑफ दैट एसिड, या फिर कॉन्जुगेट एसिड ऑफ दैट, एक ही है, एसिड ऑफ दैट बेस, बेस दैट ऑफ एसिड, एक ही बात है, एसिड बेस ही दोनों आएगा। समझा लॉजिक क्या है? समझा है? अरे इजी है ये, इतना हार्ड लग रहा है क्या तुमको? समझा? इंडिविजुअल स्पीशीज देखा तो अलग कुछ होता है बराबर, और रिएक्शन में देखा तो अलग कुछ होता है, यही दो अलग अलग चीजें यहाँ पे बराबर। इंडिविजुअल देखा तो ये एसिड है बराबर ना,
और ये बेस था, समझा ना कैसा है, एसिड बेस। इंडिविजुअल देखेंगे तो उधर देखो कि हाइड्रोजन का प्रेजेंस है कि नहीं और वो डोनेट कर सकता है कि नहीं, बस इतना देखने का। चलो आगे बढ़ते हैं, राइट थियरी बरा लिविस थियरी ऑफ एसिड एंड बेस, ये रॉन्ग है, ये दो चीज रॉन्ग है बरा, पढ़ने का फिर भी। लिविस थियरी ऑफ एसिड एंड बेस, ये सबसे राइट थियरी है। क्या है ये थियरी, सुनो बहुत सिंपल, ये थियरी एक्चुअल में राइट यही थियरी है अभी तक जो चल रहा है यही। देखो क्या लिविस थियरी क्या बताता है, लिविस साइंटिस्ट का नाम है बर, लिविस एसिड लिविस बेस बोलते हैं ना बर, हाँ एक्चुअल जो डिफाइन राइट डिफाइन है एसिड का वो क्या है। देखो सिंपल, लिविस ने कुछ ज्यादा कुछ किया नहीं, लिविस लिविस ने देखा ये लोग एलिमेंट पे है, देखो जो भी थियरी वो एलिमेंट पे बेस था। देखो एसिड जो H प्लस आयन दिया, बेस जो OH माइनस आयन लिया, एलिमेंट हुआ ना H और O ऑक्सीजन एक एलिमेंट हुआ, H एक एलिमेंट है, मतलब देखा कि एलिमेंट के लेवल पे रहेंगे तो रॉन्ग आंसर आता है। और अंदर जाओ एलिमेंट के भी अंदर जाओ, इलेक्ट्रॉन पे काम करो बराबर, तो लिविस ने कहाँ काम किया, इलेक्ट्रॉन पे, तो एकदम राइट आंसर आया। तो लिविस ने क्या देखा कि जो भी स्पीशीज जो भी मॉलिक्यूल अगर वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो वो एसिड, समझा क्या बताया मैंने, इलेक्ट्रॉन के लेवल कुछ कंफ्यूजन नहीं, एकदम राइट थियरी। जो भी सब्सटेंस एक्सेप्ट करता है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो क्या है, एसिड, लिविस के हिसाब से जो राइट है एकदम बराबर। जो भी सब्सटेंस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है वो बेस। एग्जांपल देखो इधर ही सब कुछ राइट सिखा देता हूं। देखो अमोनिया के पास क्या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, होता है, देखा ना एक लोन पेयर, क्या ये लोन पेयर दे सकता है, मतलब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। हाँ, जो भी सब्सटेंस या फिर जो भी मॉलिक्यूल शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है लिविस के हिसाब से वो कौन है, बेस, और अमोनिया बेस ही है। देखो सब कुछ राइट कर दिया उसने, समझा। अब बताता हूँ कि वाटर वाला केस बताऊंगा आगे वाला, HCl वगैरह सब बता। देखो HCl ब्रेक करो जरा इसको, H प्लस और OH माइनस है, H प्लस और Cl माइनस, HCl की बात कर रहे हैं, एसिड है, एसिड है ना। लिविस को प्रूफ करना था कि ये एसिड है, तो कैसा प्रूफ किया जरा ध्यान दो, HCl है H प्लस और Cl माइनस, लिविस के हिसाब से एसिड कौन है जो एक्सेप्ट करता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एच प्लस और सीएल माइनस, कौन एक्सेप्ट करेगा दोनों में से बताऊं, एक्सेप्ट कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन, सीएल माइनस के बाद पहले से माइनस है, ऑलरेडी दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, एच प्लस इधर था ना, एच प्लस, अरे इधर ही है सब कुछ, अमोनिया के पास इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये डोनेट कर सकता है तो वो बेस। जो भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट, ये बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन किसने एक्सेप्ट किया, हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन ने इसका दोनों इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया ना, तो क्या हो जाएगा, एसिड बरा, तो ये तुम्हारा HCl भी एसिड हो गया। HCl में H वाले पार्ट से उसने बता दिया कि वो क्या है, एसिड है, समझा क्या रहे, एकदम इजी है। द सब्सटेंस विच एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ या फिर एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एसिड, एंड द सब्सटेंस विच डोनेट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज बेस, सिंपल लॉजिक बरा, सब कुछ प्रूफ कर दिया। देखो अमोनिया प्रूफ करने का था, जो रॉन्ग हो गया था अरिनियस से कि अमोनिया नहीं एक्सप्लेन कर पाया कि वो बेस क्यों है, इसने एक्सप्लेन कर दिया, अमोनिया में नाइट्रोजन होता है जिसके पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है 2s2 ऑर्बिटल में, वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और डोनेट करता भी है, और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो कौन होता है, बेस, अमोनिया बेस, प्रूफ हो गया। दो इलेक्ट्रॉन एक लोन पेयर, मालूम ना तुमको, दिया किसको, एच प्लस को बरा, और बॉन्ड बना दिया कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, अमोनियम आयन बन गया, बेस ना, अमोनिया ने दिया तो अमोनिया बेस, किसने वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, जो भी एक्सेप्ट करता है वो एसिड रहता है ना, तो H प्लस ने एक्सेप्ट किया, एसिड, H प्लस जहां भी रहता है वो एसिड को डिनोट करता है, मानो ना तुमको, कोई भी चीज एसिड किसके वजह से होता है, H प्लस की वजह से होता है, पर थोड़ा थोड़ा इसका ही पॉइंट राइट हो गया, समझा, ऐसा आते एक और चीज में, अमोनिया फिर से BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड बरा, BF3 अमोनिया में नाइट्रोजन है जिसके पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, मतलब दो इलेक्ट्रॉन है, वो डोनेट करता है बराबर, बोरॉन एक ऐसा एलिमेंट है जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है बराबर, ये BF3 को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था अरेनियस की क्यों वो एसिड है, लेकिन किसने एक्सप्लेन कर दिया, लिविस, लिविस ने सिंपल बोला अमोनिया है जिसके अंदर नाइट्रोजन है जिसके पास दो इलेक्ट्रॉन है मतलब एक लोन पेयर है, ये डोनेट करेगा, ये डोनेट किया इलेक्ट्रॉन को तो ये क्या हुआ, बेस, और वो दो इलेक्ट्रॉन किसने एक्सेप्ट कर लिया, बोरॉन ने, देखो बॉन्ड बन गया, देखो दिखाई दे रहा है क्या, ये एरो क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो किसने दिया है, अकेले नाइट्रोजन ने दिया है बराबर, किसको दिया है, बोरॉन को दिया, एरो तो देखो, समझा, समझा ना कैसा है, कौन सा बॉन्ड होता है ये, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, समझा ना, हाँ, तो दो इलेक्ट्रॉन मतलब एक लोन पेयर किसने एक्सेप्ट किया ये रिएक्शन में, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड ना, तो वो क्या हो गया, एसिड,
प्रूव हो गया ना सब कुछ चीज एकदम क्लियर। समझा लेविस का थियरी, राइट थियरी, द सब्सटेंस विच एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एसिड एंड द सब्सटेंस विच डोनेट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज बेस। सिंपल समझा है? आगे बढ़ते हैं। एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर, समझ गया ना? कुछ ऐसा है कि कुछ नहीं समझा है, क्योंकि बहुत ईजी चैप्टर है, समझ में आना ही चाहिए। मैम एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर, वाटर का नेचर एम्फोटेरिक क्यों? अच्छा पहले समझ, ये टेंथ का क्वेश्चन है, टेंथ में था ये चीज़ एम्फोटेरिक, बरा आना चाहिए, नाइन्थ नहीं तो टेंथ में कहीं तो था एम्फोटेरिक क्या होता है। एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर बहुत सिंपल है। एम्फोटेरिक का मतलब क्या, सुनो, जो भी चीज़ एसिड एज वेल एज बेस जैसा बिहेव करता है उसको बोलते हैं एम्फोटेरिक। वाटर वैसे ही बिहेव करता है, वाटर में H+ आयन है तो वो एसिड भी है, वाटर में OH- आयन है तो वो बेस भी है। समझा? जो एसिड एज वेल एज बेस के जैसा बिहेव करता है उसको बोलते हैं एम्फोटेरिक। एक्चुअल में दोनों नहीं है ना, वो तो न्यूट्रल है। समझा? देखते हैं कैसा। तो क्वेश्चन समझा क्या है, एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर मतलब वो एसिड जैसा क्यों बिहेव करता है और वो बेस है। प्रूव करके दिखाएगा भाई, होता है एक्चुअल में वाटर एसिड जैसा भी बिहेव करता है। एसिड रेन नहीं मालूम है? बराबर, वाटर एसिड जैसा भी ये बिहेव करता है और बेस जैसा भी बिहेव करता है, मालूम है तुमको? हाँ, तो वो ऐसा कैसे कर लेता है, बराबर, ऐसा कैसे कर लेता है वो देखते हैं। चलो थोड़ा डिटेल में, मैंने ऐसा इतना पूरा तुम्हारे टेस्ट में इतना डिटेल में नहीं दिया है, मैंने थोड़ा यहाँ पे डिटेल में लिखा, जरा देखो कैसा हुआ। देखो मैं पहले सिखाता तुमको कि वाटर एसिड जैसा बिहेव कैसे कर लेता है, करता है ये मालूम ना, ये मालूम है तुमको कि वाटर एसिड जैसा बिहेव करता है और बेस जैसा भी बिहेव करता है, मतलब वो एम्फोटेरिक नेचर दिखाता है। तो क्यों दिखाता है, ऐसा क्या है उसके पास कि वो दोनों नेचर दिखाता है? रीजन सुनो, वाटर लिक्विड स्टेट में प्लस अमोनिया वाटर के अंदर डिजॉल्व है, बराबर, एक्वा स्टेट में गैस डिजॉल्व होता है, बराबर। मालूम है क्लियर कि अमोनिया क्या करता है, अमोनिया के पास दो इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब एक लोन पेयर ना होता है ना अमोनिया के पास, अमोनिया मतलब नाइट्रोजन के पास होता है, मालूम है ना तुमको? थोड़ा एटॉमिक लेवल पे आओ तो ही तो समझेगा, बराबर। वाटर को ब्रेक करो किसमें, एच प्लस और ओ एच माइनस, इसमें से कौन अमोनिया के काम का है? एच प्लस ना। नाइट्रोजन जिसके पास दो इलेक्ट्रॉन है मतलब एक लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन है, वो अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा? H+ को दे देगा, बोलेगा बराबर। H+ इसके पास आएगा, NH3 खुद पहले से एक और H आ गया, क्या बन गया? NH4+। कौन सा बॉन्ड बना रहेगा वहां पे? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना रहेगा, राइट है? तो अमोनियम का आयन बन गया, बराबर। और OH- आयन अकेला बचा हुआ है वो अलग। अब एक क्वेश्चन का आंसर दो, मैं वाटर को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर वाटर को मैंने ब्रेक किया H+ और OH- आयन में, बताओ H+ ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया कि डोनेट किया? H+ ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया कि डोनेट किया? किसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया? NH3 का, जो नाइट्रोजन का एटम था उसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया ना, लोन पर एक्सेप्ट किया, तो ये क्या है? एसिड, वाटर एसिड प्रूव हो गया। समझा? समझा, लिविस को क्वेश्चन किया गया था कि वाटर एम्फोटेरिक क्यों है, मतलब वो एसिड और बेस दोनों बिहेव करता है, वो प्रूफ करके दिखाओ। प्रूफ करके दिखाया, एक एसिड समझा कैसे बिहेव करता है, चलो बेस सिखाता। देखो एक पॉइंट नोट करने लायक है यहाँ पे, देखो वो तुमको मैं ना थर्ड पॉइंट की बात बताऊंगा कि वो पॉइंट नोट करने लायक क्या है। वाटर लिक्विड स्टेट में, इसको रिएक्ट कर दिया किस साथ? एसिड के साथ। कौन सा एसिड यूज किया है? स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, बराबर। कैसा डिसोसिएट होएगा? H+ और Cl- में। अच्छा एक बात बताऊँ, H2O है, बराबर, तुमको मालूम है हाइड्रोनियम आयन बनता है H3O+ बनता है, वो ऑलरेडी बताया था ना, हाइड्रेट्स बताया ना। H3O+ कैसे बनता है? वाटर में क्या ऐड करना पड़ेगा तुमको? H+, ये क्लियर मालूम है? ओके, वाटर पहले से बराबर HCl जिसने क्या दिया? H+ आयन। ये H+ आयन किसके पास जाएगा बताओ? वाटर में कौन से एटम के पास जाएगा? देखो इतना क्लियर है, इतना क्लियर पहले समझो, H+ मॉलिक्यूल के उसी एटम के पास जाता है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मालूम है ये चीज? तो बताओ ये एसिड का जो H+ है ये वाटर में कौन से एटम के पास जाएगा? ऑक्सीजन, क्योंकि उसके पास ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मालूम है एटॉमिक नंबर 8। देखो सर हरी जितनी भी चीजें सब एटॉमिक लेवल पर है, एटॉमिक नंबर 8 बोलो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p 4 ना। हाँ अगर मैं इसको ऑर्बिटल बनाऊं, मालूम ना ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल बना रहा है, 2p वाला ऑर्बिटल, 2p कितना इलेक्ट्रॉन? 4, 1 2 3 4, मालूम ना वो प्रिंसिपल, बराबर। फर्स्ट द इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड सिंगली एंड देन द पेयरिंग टेक्स प्लेस, मालूम है ना? हाँ, पाउलीस एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल 11th स्टैंडर्ड, बराबर। 2s2 ना, ऐसा है ऑर्बिटल देख के क्या लग रहा है कि वो कितना बॉन्ड बना सकता है? जो सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है ना
बराबर, जो अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है वो बॉन्ड बनाता है। कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन? दो। और ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है, बनाता है ना? हाँ। क्या तुमको ऑक्सीजन के लास्ट ऑर्बिटल में कोई लोन पेयर दिखाई दे रहा है क्या? ऑक्सीजन के 2p ऑर्बिटल में कोई लोन पेयर है? अरे आंसर हाँ ना भी बोल नहीं बोल सकते हैं। ये क्या नहीं दिख रहा तुमको लोन पेयर है ना? लोन पेयर देखो ना, ऐसा जोड़ी में पेयर मतलब जोड़ी उधर है ना, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। तो ये जो H+ है ये किसके पास आएगा वाटर में? O के पास आएगा। और O क्या बोलेगा? मेरे पास एक लोन पेयर है, H+ को दे देगा ना। तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड किसके बीच में बनेगा बताओ? कौन से दो एटम के बीच में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा? जो इलेक्ट्रॉन देता है और जो इलेक्ट्रॉन लेता है। जैसे कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड किसके बीच बना? नाइट्रोजन जिसने इलेक्ट्रॉन दिया, हाइड्रोजन जिसने इलेक्ट्रॉन लिया, बराबर। बताओ यहाँ पे वाटर में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड किसके बीच में बनेगा? ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रॉन देगा, जिसके पास एक लोन पेयर है, किसको दे रहा है? H+ को दे रहा है, बराबर। अब एक क्वेश्चन का आंसर दो, क्या वाटर में से ऑक्सीजन एटम ने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिया? दिया ना। तो लुईस के हिसाब से जो भी चीज अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो क्या रहता है? तो बेस जैसा भी बिहेव कर रहा है। समझा नहीं समझा? अरे एक बार एसिड जैसा बिहेव किया और दूसरी बार, और वही मॉलिक्यूल है वाटर, वही मॉलिक्यूल है ना, मतलब वो कैसा नेचर दिखा रहा है? एम्फोटेरिक प्रूफ। समझा कैसा है? समझ गया रहेगा ना तुमको? दिया नहीं इतना डिटेल, लेकिन बता दिया तुमको इतना डिटेल में क्या हो रहा है वहां पे। समझ गया रहेगा राइट? तो ये कैसा बिहेव कर रहा है बताओ? बेस ना, मतलब एक बार बेस और एक बार एसिड। एक पॉइंट नोट करने लायक क्या है जरा सुनो, वाटर एसिड जैसा सिर्फ तब बिहेव करता है जब उसके सामने बेस रहता है, समझा? और वाटर बेस जैसा तब बिहेव करता है उसके सामने क्या रहता है? समझा ये पॉइंट क्या है नोट करने लायक? समझा क्या? समझा ना? हाँ। तो वाटर दोनों नेचर दिखा रहा है, मतलब वो क्या है? एम्फोटेरिक राइट। पढ़ो नेक्स्ट पॉइंट, वाटर एक्ट एज एसिड टुवर्ड्स अमोनिया, अमोनिया वाले केस में एसिड जैसा बिहेव करता है राइट, एंड बेस टुवर्ड्स HCl, hence amphoteric nature is shown by water, मतलब water is amphoteric in nature, समझा ना? अरे पूरा logic molecules के concept में, अगर तुमको basic आता है, तो सबसे easy topic यही है तुम्हारे लिए, समझा? Base से आना चाहिए बस और कुछ नहीं, समझा क्या है ये? बोलो clear है, आगे पढ़ते, next topic पढ़ो क्या है? Ionization of acid and base, acid और base ionize कैसे होता है वो देखते हैं, चलो। Ionize का मतलब क्या है? Ions बनाने का, Ionize का मतलब क्या है? Ions बनाएंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कंप्लीटली डिसोसिएट होकर आयन बनाएंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन रहेगा? नहीं, बराबर। वीक एसिड और वीक बेस वो भी डिसोसिएट होकर आयन बनाएंगे, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है, वहां पे क्या होता है तुम्हारे पास? अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल। तो डबल एरो आएगा कि सिंगल एरो आएगा? डबल एरो ना। अरे सिंपल लॉजिक है, पढ़ा दिया ऑलरेडी सब कुछ, समझा ना कंसेप्ट क्या पढ़ने वाले? सिंपल, हम लोग पढ़ रहे हैं आयोनाइजेशन, मतलब फॉर्मेशन ऑफ आयंस, बराबर, कैटायंस और एनायंस दोनों रहेंगे उसमें। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कंप्लीटली डिसोसिएट होकर आयन बनाते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं रहेगा, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं होने वाला, बराबर। वीक एसिड वीक बेस डिसोसिएट होकर आयन बनाएंगे, कंप्लीटली डिसोसिएट होते क्या? स्मॉल एक्सटेंट, याद एक वर्ड आया था वहां पे, हाँ। और क्या होता है वहां पे? इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है, बराबर। तो पढ़ते हैं, पढ़ो फर्स्ट पॉइंट क्या है, पढ़ो। एसिड एंड बेस आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एसिड, और बेस को भी क्लासिफाई किया है चार पार्ट में, मानो कैसे? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस, एसिड और बेस का भी क्लासिफिकेशन है, मालूम है? हाँ। कैसा क्लासिफिकेशन मालूम है? किसके हमेशा क्लासिफिकेशन कोई ना कोई चीज के बेसिस पे होता है ना, हाँ। तो ये केस में कैसा किसके बेस पे हुआ है? कौन कितना डिसोसिएट होता है उसके बेस पे। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कंप्लीटली डिसोसिएटेड, तो स्ट्रॉन्ग नाम दिया ना वहाँ पे। जो पार्शियली डिसोसिएट होता है वो वीक, वीक एसिड वीक बेस, समझा ना? चार पढ़ो पॉइंट है, पढ़ो समझेगा। एसिड एंड बेस आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन, चार टाइप में, कौन सा? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड वीक बेस, समझा? ये जो पहला रिएक्शन है स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए, बराबर। पढ़ो पॉइंट, पढ़ो। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस मतलब स्ट्रॉन्ग बेस ही है वो, समझा? आर ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएटेड, मालूम है क्योंकि स्ट्रॉन्ग है वो, स्ट्रॉन्ग चीज डिसोसिएट होएगा ना, ओरली उपड़ने की जरूरत नहीं। HCl पानी में डाल दिया, एक्वा सोल्यूशन गिव्स H+ आयन एंड OH, दोनों एक्वस ही रहेगा, आयन एक्वा सोल्यूशन में होता है हमेशा, याद रहेगा? जिधर प्लस माइनस लिखो AQ लिखना ही है तुमको, एक्वस, समझा? दूसरा NaOH स्ट्रॉन्ग बेस डिसोसिएट होएगा, सिंगल एरो ना, क्या बन गया बताओ? Na+ एक्वस प्लस OH- एक्वस, ओरली याद करो, इतना हार्ड थोड़ी है। हाँ, वीक एसिड वीक बेस क्या कंप्लीटली डिसोसिएट होता है? वो पार्शियली डिसोसिएट होएगा, प्लस साथ में कुछ बच जाता है उसमें अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल, और इनके बीच में क्या एस्टैब्लिश हो जाता है? इक्विलिब्रियम, समझा ना? पढ़ो पॉइंट, पढ़ो, इजी बता दिया सबको, पढ़ो।
Weak acid and weak base are partially dissociated in the water. The solution of weak acid and weak base contains undissociated ions. बराबर undissociated molecules देखो ज़्यादा better रहेगा ना. बराबर undissociated molecule रहता है with small amount of ion at equilibrium. Equilibrium पे रहेगा ना, मालूम है ना. हाँ एग्जाम्पल याद रहेगा, वीक एसिड का एग्जाम्पल बताओ. एसिडिक एसिड CH3COH डबल आर रहेगा. बराबर क्या मिलेगा बताओ, CH3COO- क्योंकि एक एच प्लस गया ना आगे, प्लस एच प्लस, दोनों एक्वस स्टेट ना, आयन्स एक्वस स्टेट में, और ये भी एक्वस, पानी में डिजोल्व करें तभी तो होगा डिसोसिएट. दूसरा एग्जाम्पल बताओ वीक वीक बेस का, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH कैसे डिसोसिएट होता है, डबल आर ओ NH4+ मालूम ना, अमोनियम का आयन एग्जिस्ट होता है प्लस OH, दोनों एक्वस स्टेट और तीनों एक्वस स्टेट एक्चुअल में. समझा क्या है, चलो एक लास्ट डेरिवेशन कर लेते हैं. समझ में आ रहा ना सबको क्या पढ़ाया, याद है ना. पढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो. डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस. बराबर डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट से पहले तुमको कुछ याद करा दूं, के याद करो, 11th पढ़ा हुआ है शायद, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, पढ़ा था ना. क्या बोलते हैं बॉक्स को, मोलार का एक और नाम था इसका जो बताया था जो तुम्हारे सिलेबस में नहीं था, एक्टिव मास. याद है क्या, ये बॉक्स को क्या बोलते हैं, एक्टिव मास या फिर मोलार कॉन्सेंट्रेशन है. यहाँ पे तुम्हारे सिलेबस में दिया नहीं लेकिन तुमको याद होना चाहिए, 11th का कंसेप्ट है पूरा. देखो क्या पढ़ रहे फिर से बताओ, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस. डिसोसिएशन कांस्टेंट एक्चुअल में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है. बराबर एक क्वेश्चन का आंसर बताओ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्विलिब्रियम पे रहता है ना, बराबर ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहाँ पे रहता है, इक्विलिब्रियम पे. हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग तो डिसोसिएशन कांस्टेंट पढ़ रहे हैं, लेकिन एक बात समझो किसके लिए पढ़ रहे हो, पढ़ो वीक एसिड, वीक एसिड और वीक बेस को स्टडी कभी करते हैं, इक्विलिब्रियम पे करते हैं, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट ही क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. समझा क्या पॉइंट, किसके लिए, लेकिन समझा उसके लिए पॉइंट, समझो मतलब ही तो समझो. समझाना क्या है, जो तुम लोग पढ़ रहे डिसोसिएशन कांस्टेंट वो एक्चुअल में क्या रहेगा, इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. किसके लिए, वीक एसिड और वीक बेस के लिए, कब, इक्विलिब्रियम पे. बराबर ना, समझा है, चलो करते हैं, बहुत इजी है. एक एसिड में वीक एसिड एज्यूम करता हूँ, एग्जांपल नहीं लिया है कोई, एक सिंपल इन जनरल लिया है, एसिड है तो H प्लस आयन तो देना चाहिए, तो मैंने H ले लिया, साथ में A ले लिया, A कोई एटम एटम नहीं है, A कुछ एग्जांपल समझ लो ना, A, अरे HCl तो Cl मेरे लिए A हो गया, समझो. समझा, जब ये ब्रेक होएगा वीक एसिड है ना तो रिवर्सिबल रहेगा, देखते भी रहो रिवर्सिबल रहेगा, क्या क्या बनेगा बताओ, H प्लस और A माइनस, A कोई एलिमेंट नहीं है, एग्जाम्पल लिया मैंने, समझा, ऐसा A माइनस बनेगा, इधर लिख दिया रखता मैंने, OH माइनस लिख दिया, क्या आएगा बताओ, A माइनस आएगा, आयंस है तो एक्वा सोल्यूशन में रहेगा, और ये भी डिसोसिएट तब होगा जब उसको एक्वा सोल्यूशन में डालने, तब वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तब ना, वाटर में ऐड करेंगे तो. समझा ये क्या हुआ है, हाँ अगर मुझे इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है, पहली बात तो वो एसिड है ना, एसिड है ना, हाँ तो एसिड का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कॉल्ड एज एसिड डिसोसिएशन. मैंने पहले क्या बताया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही डिसोसिएशन कांस्टेंट है ना, लेकिन ये किसके लिए था, ये एग्जांपल क्या है, एसिड, तो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट. नेक्स्ट एग्जांपल में OH- माइनस आयन देखो तुमको दिखता रहेगा, बराबर, तो यहां पे जो डिसोसिएशन कांस्टेंट रहेगा उसका नाम रहेगा बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, क्योंकि बेस है ना. समझ में आ रहा है क्या, अरे कंसेप्ट एकदम क्लियर है, तुम्हारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही डिसोसिएशन कांस्टेंट, लेकिन एसिड के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किससे इक्वल रहेगा, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट. बेस के लिए तुम्हारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किससे इक्वल रहेगा, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिसोसिएशन कांस्टेंट से इक्वल रहता है एसिड टाइम पे, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट और बेस के टाइम पे बेस, सिंपल ना. हाँ तो मैं वही लिखा यहां पे, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट. समझा क्यों, एग्जांपल ही एसिड लिया तुमने, यही रीजन है, इज इक्वल टू एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर दिस इक्विलिब्रियम. क्या रहता है वो बता रहा हूं मैं तुमको, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला ना, कि के ए क्यों लिखा बताओ, एसिड है, के क्यों लिखा, के ही तो होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, बराबर ना. फॉर्मूला याद है, बहुत इजी है, रेशियो निकालते हैं किसका, याद है डिफाइन इसका क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एक्टिव मास और मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट. प्रोडक्ट ना, मालूम है ना तुमको, फिर से सुनो क्या बोलते हैं के को, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम 11th का डिफाइन पढ़ा रहा हूँ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ
प्रोडक्ट ऑफ मालूम है क्या, प्रोडक्ट ऑफ मोलार कॉन्सेंट्रेशन और एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट। मैं कौन सा प्रोडक्ट का बात कर रहा हूँ मालूम है, मैं स्टार्टिंग में ये प्रोडक्ट की बात किया मालूम, उसके बाद कौन से प्रोडक्ट की बात किया, उसके बाद ये वाले प्रोडक्ट की बात किया। समझो जरा पॉइंट को, समझा फिर से एक बार। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मोलार कॉन्सेंट्रेशन और एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट टू द मोलार कॉन्सेंट्रेशन और एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। बोलने का सिंपल मतलब है, अगर तुमको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है तो इंटू करो किसको, प्रोडक्ट का मोलार कॉन्सेंट्रेशन को इंटू करो न्यूमरेटर में और रिएक्टेंट का मोलार कॉन्सेंट्रेशन डिनोमेटर में लिख दो। अगर यहाँ पर भी दो रहेगा तो दोनों लिखो। याद है हमने वहां पर क्या किया था, सी डी, याद है, सी रेस टू स्मॉल सी, डी रेस टू स्मॉल डी अपॉन ए रेस टू स्मॉल ए, बी रेस टू, वो रेस टू तब आता है जब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है ना। अगर मैं यहाँ पे टू लिख दूँ तो मुझे एच प्लस के ऊपर टू लिखना पड़ जाएगा, मालूम है ना, इलेवंथ ही है, समझा, इलेवंथ पढ़ा रहेगा तो बराबर आएगा तुमको, समझ गया तुमको क्या है। तो ये तुमको समझा मैंने ये लिखा कैसे, अरे बोलो समझा ना कैसे है। तो सिंपल है, जो भी प्रोडक्ट रहता है उसका एक्टिव मास ऊपर लिखते हैं इंटू करके, और जो भी रिएक्टेंट रहता है उसका एक्टिव मास नीचे लिखते हैं इंटू कर, लेकिन एक ही रिएक्टेंट तो मैंने एक ही लिख दिया, सिंपल, समझा है ना, समझा, बोलो ये पॉइंट याद है क्या लिखा मैंने यहाँ पे, द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू एसिड डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट एंड इट इज गिवन बाय, तुमको लिख गया यहाँ पे, के ए इज इक्वल टू क्या आया, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ क्या क्या, एच प्लस आया और ए माइनस अपॉन मोलर कॉन्सेंट्रेशन और एक्टिव मास ऑफ एच ए, सिंपल, समझा कैसा। चलो बेस के लिए करते हैं, ये एग्जाम्पल ये है, बेस में कौन सा आयन, बेस कौन सा आयन देता है, ओ एच माइनस, तो ओ एच तो होना ही चाहिए, और दूसरे के लिए मैंने क्या ले लिया, बी ले लिया, चलेगा ना, एग्जाम्पल है बी ओ एच माइनस, वीक बेस की वीक एसिड, बेस ओ एच माइनस ना, वीक बेस, रिवर्सिबल रहेगा, क्या क्या बनाएगा, बी प्लस और ओ एच माइनस आयन तो देगा ही ना, हाँ, दोनों एक्वा स्टेट में आयन है, एक्वा स्टेट में। ये केस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किससे इक्वल रहेगा, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट से ना, मालूम है ना, अरे इजी है, हार्ड नहीं है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड इट इज गिवन बाय के बी, बेस है ना, बराबर, के बी, और बताओ क्या आएगा प्रोडक्ट, डिफाइन याद है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ, एक्टिव मास और मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द एक्टिव मास और मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। उधर अगर दो रहेगा तो उधर भी प्रोडक्ट आएगा, समझा ना, रेस टू द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये भी पढ़ा था हमने ना, ठीक है, चल ये डिफाइन तो अभी हमको नहीं है, समझा क्या पढ़ाया मैं तुमको, हम लोग देख रहे थे एक्चुअल में डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट, लेकिन मालूम पड़ा कि डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट तो वीक एसिड और वीक बेस का देख रहे हैं, और वीक एसिड और वीक बेस को स्टडी ही इक्विलिब्रियम पे करते हैं, तो डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट किससे इक्वल रहेगा, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट से, एसिड के लिए एसिड डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट और बेस के लिए बेस डिसोसिएशन, और दोनों हमेशा किससे इक्वल होने वाला है, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट है ना, सिंपल। एक लास्ट पॉइंट यहाँ पे दिया है, द डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट फॉर वीक एसिड और बेस इज डिफाइंड एज द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट ना, राइट, द डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट फॉर वीक एसिड और वीक बेस इज इक्वल टू dissociation constant is equal to equilibrium constant for the dissociation equilibrium of weak acid or weak base at equilibrium। बताना पड़ेगा तुम लोग कहाँ पे कर रहे हो, तुम लोग equilibrium पे है और किसका equilibrium है, weak acid या फिर weak base का, अपने मन से बना सकते हैं, define वो इतना hard नहीं, सुनो K और KB किसके बराबर रहेगा, dissociation का, वो तो खुद equilibrium constant है ना, अरे K को क्या बोलते हैं, equilibrium, डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट, डिसोसिएशन जो कॉन्स्टेंट है ऑफ वीक एसिड और वीक बेस इज डिफाइंड एज द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट, मतलब वो इससे इक्वल है तभी तो उसको वैसा डिफाइन कर रहे हैं ना, अरे सिंपल है, ये वाला पार्ट किससे इससे इक्वल है ना, द डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट ऑफ वीक एसिड और वीक बेस इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट ना, इज इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट कौन से टाइम पे, एट इक्विलिब्रियम ना, किसका इक्विलिब्रियम, ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, अपने मन से बनाओ ना, नहीं समझाया, सुनेगा फिर से, क्या पढ़ रहे बताओ हम लोग, डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट ना, किसका, डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस एट इक्विलिब्रियम, बराबर ना, अरे मतलब समझो, ये डिफाइन तो कोई भी पढ़ लेगा इसको, समझा क्या क्या पढ़ाया आज, तो चलो एक बार रिकैप मारते क्या क्या, देखो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, उसमें पढ़ा सबसे पहले कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जो भी सब्सटेंस वाटर में डिजोल्व होकर आयंस बना सकता है वो इलेक्ट्रोलाइट, जो सब्सटेंस वाटर में डिजोल्व होकर आयन नहीं बना सकता वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन होता है, जो कंप्लीटली डिसोसिएट होता है, सिंगल एरो रहता है ना, डबल एरो नहीं रहता, बराबर, एग्जांपल स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और सॉल्ट।
वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जो पार्शियली डिसोसिएट होता है, प्लस साथ में क्या बच जाता है इसके पास, अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स, और उनके बीच में इक्विलिब्रियम होता है ना, बराबर समझा ना कैसा है, डबल आर एस एम। फिर पढ़ा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वीक के लिए ना, वीक के लिए ना, हाँ क्या नहीं, वीक के लिए था, स्ट्रॉन्ग के लिए अल्फा का वैल्यू वन हो जाता ना, स्ट्रॉन्ग के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू वन होगा, उसके लिए भी रहेगा लेकिन उसमें वैल्यू क्या रहेगा, वन, क्योंकि जितना नंबर ऑफ मोल डिसोसिएट होता है उतना ही तुम लोग यूज करते हैं, जो यूज करते पूरा डिसोसिएट हो जाता है ना, तो न्यूमरेटर डिनोमेटर सेम सेम, कैंसिल कैंसिल, वन बराबर। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वीक के लिए पढ़ेंगे, स्ट्रॉन्ग के लिए तो आंसर वन रहेगा, बराबर, वीक के लिए लेस देन वन रहता है, मालूम है ना तुमको। न्यूमरेटर वन में क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिसोसिएटेड आयन ना, अपॉन क्या रहेगा, जो भी मोल्स तुमने यूज किया, अगर परसेंटेज डिसोसिएशन निकालना है तो कैसे करेंगे, इनटू 100 करो, अगर इफ मैं अज्यूम करता हूँ इफ सी इज द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ना ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो भी तुमने यूज किया है, तो अगर तुमको समझो निकालना है मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनायंस और कैटायंस, बराबर, अगर तुम सॉरी मोलर नहीं, मोलर कॉन्सेंट्रेशन तो सी है इलेक्ट्रोलाइट का, अगर तुमको निकालना है इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, इक्विलिब्रियम पे निकालेंगे क्योंकि वीक है ना, वीक के लिए पढ़ते ना डिसोसिएशन, अगर तुमको इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन निकालने का है तो कैसे निकालेंगे, अल्फा इंटू सी कर देंगे ना, इसको बोलते हैं, देख रहे हैं मोलर कॉन्सेंट्रेशन, ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन कब रहेगा बताओ, इक्विलिब्रियम पर रहेगा, केटायन का है ना, अरे वही तो है ना, नहीं समझा, अरेनियस थ्योरी सिंपल समझा है, जो भी सब्सटेंस के पास हाइड्रोजन है और अगर वो H+ आयन डोनेट कर सकता है तो एसिड, जो भी सब्सटेंस के पास OH ग्रुप है और OH- आयन डोनेट कर सकता है तो बेस, सिंपल। कौन सा क्या क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया, वाटर क्या गलत बता दिया, उसमें हाइड्रेट्स और हाइड्रोनियम आयन H3O+ बराबर। फिर देखा किसको किसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, बेस में अमोनिया और सोडियम कार्बोनेट, याद रखो ये सब चीज। फिर ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी देखा, थोड़ा अजीब ही था, बराबर, जो भी सब्सटेंस H+ आयन दिया वो एसिड, जिसने एक्सेप्ट किया वो बेस। यहाँ पे कुछ नया कुछ बताया, कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस वाला कॉन्सेप्ट बता दिया, बराबर, जो बेस बना है एक एसिड के H+ आयन डोनेट करने से तो वो उसका कॉन्जुगेट बेस है, बराबर, जो भी एसिड बना है किसी बेस के H+ आयन एक्सेप्ट करने से वो क्या रहेगा, उसका कॉन्जुगेट एसिड ऑफ दैट बेस, समझा, एक ही सिंपल है। फिर हम देखा लेविस थियरी ना, जो भी सब्सटेंस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है वो एसिड, जो भी सब्सटेंस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है वो बेस, समझा ये पॉइंट, मालूम है ना, हाँ। इसी से हमने अमोनिया का क्या बता दिया, बेसिक नेचर बताया ना, और यही चीज से हम लोग ने वाटर का एम्फोटेरिक नेचर ही बता दिया, कौन से थियरी यूज करके बताया, मालूम मैंने अरेनिया ये यूज किया, कौन सा, लेविस थियरी, बराबर, लेविस थियरी यूज करके बता दिया ना, एक बार हाइड्रोजन ने एक्सेप्ट किया था ना H+ का आयन, अमोनिया को मत देखो, हम लोग वाटर पढ़ रहे, वाटर को देखो, वाटर में भी H+ को देखो, फर्स्ट केस में H+ ने दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो बन गया एसिड, वाटर एसिड बन गया। सेकंड केस में जो वाटर था उसके ऑक्सीजन ने दो इलेक्ट्रॉन दिया, डोनेट कर दिया ना, तो बेस बन गया, मतलब एसिड एज वेल एज बेसिक दोनों नेचर दिखा रहा है, तो वो क्या है, एम्फोटेरिक है। फिर पढ़ा आयनाइजेशन कैसे होता है, बराबर, हमने यहाँ पे देखा कि एसिड और बेस को भी आगे क्लासीफाई किया है, किसके बेस पे है, कि वो कितने डिसोसिएट होते हैं ना, बराबर, चार टाइप में क्लासिफाई किया, कौन सा था, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल बताओ HCl, स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल बताओ NaOH, वीक एसिड का एग्जांपल बताओ एसिटिक एसिड CH3COOH, वीक बेस का एग्जांपल बताओ अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, इतना तो याद ही हो गया, समझा कैसे डिसोसिएशन होता है। आयंस बना तो स्टेट कौन सा रहेगा, हमेशा एक्वस, आयंस बना तो हमेशा एक्वस स्टेट, और एक्वस स्टेट में तो पूरा डिसोसिएशन होता है, बराबर। फिर पड़ा डिसोसिएशन कांस्टेंट, हमको मालूम पड़ा कि हम लोग डिसोसिएशन कांस्टेंट का तो डिसोसिएशन कांस्टेंट वीक के लिए देख रहे हैं, वीक एसिड और वीक बेस, और उनको स्टडी कब किया जाता है, इक्विलिब्रियम, तो उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट जो वीक का हम लोग वीक एसिड वीक बेस का देख रहे हैं इक्विलिब्रियम पे, वो एक्चुअल में किससे इक्वल रहेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे डिसोसिएशन देख रहे हैं, इक्विलिब्रियम पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रहता है, दोनों सेम सेम, समझा, अगर एसिड के लिए रहेगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किससे इक्वल हो जाएगा, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, अगर मैं बेस के लिए बेस रिएक्शन के लिए देख रहा हूँ तो तुम्हारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किससे इक्वल हो जाएगा, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो बोलने का सिंपल मतलब है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही तुम्हारा डिसोसिएशन कांस्टेंट है वीक एसिड वीक बेस का एट इक्विलिब्रियम, समझा ना पॉइंट कैसा है। तो ये आयनिक इक्विलिब्रियम को टोटल चार लेक्चर लगेंगे, न्यूमेरिकल छोड़ के एक लेक्चर हो गया, समझो, बराबर, ऐसा तीन लेक्चर और लेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम भी खत्म हो जाएगा, समझा ना, बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है, बहुत ज्यादा इजी, इतना इजी चैप्टर आगे वाला चैप्टर नहीं है, ये बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है, ठीक है।